कामिल रहमतुल्लाह अलैह जो कामिल के रहने वाले थे ट्रेन का सफर कर रहे हैं, रास्ते में चोरों ने ट्रेन को रोक लिया और इनके साथ घर की बापरदा इज्जत वाली खिफत वाली खातून भी थी, कुछ घर की औरतें थी। जब डाकू भाई आने लगे, हजरत ने कहा कि हाथ जोड़ के कहता हूँ पीछे हट जाओ, जो तुम्हें चाहिए मैं वादा करता हूँ हर हर चीज तुम्हें दूंगा, लेकिन औरतों के करीब ना। ये हो गए रुपये, ठीक है बाबा जी आप देते हैं। इन्होंने औरतों से कहा जो जो सेवा जो जो नस्लिए जल्दी करो और मेरे हवाले कर दो, लिए और डाकू के हवाले किए, गाड़ी चल पड़ी। आगे थोड़े गए तो औरतें आपस में कुछ बातें करके खुश होने लगे। हजरत करीब गए, पूछा बेटी थी घर वाली थी और जो बाहर औरतें थी, पूछा किस बात पर गुफ्तगू हो रही है, तो वो कहने लगी कि हमने चलाकी से कुछ जेवरात बचा लिए हैं, सारे नहीं दी, इसकी शुक्र कर रही है कि हमारा कुछ माल बच गया, चोरों को डाकू को पता नहीं चला, हम खुशकिस्मत है कि हमारा कुछ माल बच गया है। अब मसले की बात तो यही है कि वो माल आपका है, आपका जो छिन गया जो बच गया वो आपका है, लेकिन लेकिन वो अल्लाह वाले कैसे थे, वो कुरान के आशिक कैसे थे। वो कहने लगे, वो गाड़ी वाले से कहा भाई गाड़ी रोको इमरजेंसी आ गई है, गाड़ी रुक गई। उसके बाद उनसे कहा जल्दी करो, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरे हवाले करो। बेटियों से औरतों से वो सारा जेवर लिया और वापस गए। चोर अभी बिक्री कर रहे थे, माल समेट रहे थे। हजरत वाला जब गए तो उन्होंने समझा शायद कोई हमसे मुकाबला करने आया है या कोई और बात करने आया है, लेकिन जब हजरत उनके करीब गए कहने लगा बाबा जी क्या हुआ, कहने लगा भाई मेरे से एक वादा खिलाफी होती है, वादा पूरा करने आया हूँ। कहा कैसी वादा खिलाफी, कहा मैंने वादा किया था तुम मेरे घर की औरतों के करीब नहीं जाओगे और मैं सारा माल जो कुछ है वो तुम्हें दे दूंगा, तुमने तो वादा पूरा कर लिया, लेकिन मेरे घर की औरतों ने नदानी की और कुछ माल बचा लिया, इसलिए मैं वादे के मुताबिक वो माल वापस लेके आपके हवाले कर दिया। अब ये चोर थे, अब ये आप कौन है, कौन है, कहां से आए, कहा कांगला से आ रहा हूं। कहा कांगला में ऐसा अमल और ऐसा तकवे वाला इंसान मुजफ्फर हुसैन के अलावा कोई नहीं हो सकता, कहीं आप वही तो नहीं है। जी जी मैं ही हूँ। चोरों ने सारा सामान वापस किया, सारी गाड़ी वालों से माफी मांगी और उसके बाद जिंदगी भर चोरी से भी तौबा कर ली और जिंदगी भर नेक लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल। ये है असल कुरान वाले, असल है अल्लाह वाले।